सो हाई गाइज, दिस इज विशाल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल हायन राइट्स। आज आपने मेरा थंबनेल लेके समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ। सो मैंने GoPro Hero 9 ब्लैक रिसेंटली परचेस किया है और मेरे को इससे व्लॉगिंग करनी है, मोटो व्लॉगिंग, और मैं नॉर्मली भी वीडियोज रिकॉर्ड करता हूँ। सो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आपको क्या मिनिमम एक्सेसरी लेनी पड़ेगी अगर आपको व्लॉगिंग करना है या कुछ ऑडियो वीडियो कॉम्बिनेशन कुछ भी टाइप की रिकॉर्डिंग करना है तो आपको क्या चाहिए। सो इंडिया में GoPro अप्रॉक्सीमेटली 39 से लेके 46,000 तक इस रेंज में वैरी कर रहा है। होलसेल डीलर से लोगे तो 39, 40, 41, आप रिलायंस स्टोर या क्रोमा किसी भी ऐसी वेबसाइट से लोगे तो 46, 45 तक वैरी करेगा रेंज। सो गाइस, मैं इस वीडियो को ब्रेक करूंगा तीन पार्ट्स में, व्हाई आई परचेज GoPro Hero 9 एंड हमको एक्सेसरीज लेनी है एग्जैक्टली मीडिया मोड माइक या जो भी सेटअप करने के लिए, और थर्ड पार्ट रहेगा हमारा माइक टेस्टिंग, इनबिल्ट GoPro का माइक और एक मीडिया मोड का, और एक मैंने एक्सटर्नल माइक परचेज किया है उसके लिए। सो हम उन तीनों माइक्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो गाइस हम सीधे GoPro की वेबसाइट पे जाएंगे कंपेयर करने के लिए कि हमको एग्जैक्टली क्यों लेना चाहिए 9 या फिर मैंने क्यों स्पेसिफिकली परचेज किया 9। सो हम कैमराज में जाएंगे कंपेयर कैमराज एंड नीचे आके हम 9 भी कर देते हैं, 7 भी कर देते हैं और 8 भी कर देते हैं। हम तीनों देख ही लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। सो मेरा क्या पर्पस है, कभी कभी ब्लॉगिंग भी करता हूँ। सो मेरे को 9 में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसमें एक फ्रंट में एलसीडी स्क्रीन दे दी है। सो आपको हमेशा पता रहेगा आप सेंटर ऑफ द फ्रेम हो या ना हो और आप क्या रेंज कवर कर रहे हो ब्लॉगिंग करते टाइम। सो अभी देखते हैं स्पेकशीट क्या बोलती है। सो इसमें 20 मेगापिक्सल कैमरा आ गया जो कि 12 मेगापिक्सल था अर्लियर वर्जन में। सो हम इसके वीडियो रिकॉर्डिंग पाएंगे। सो बाकी जितने भी ओल्डर वर्जन GoPro थे उसमें 4K 60 फ्रेम पर सेकंड तक हम रिकॉर्ड कर सकते थे, बट करेंटली विद द GoPro Hero 9 वी कैन रिकॉर्ड अप टू 5K एंड 30 फ्रेम्स पर सेकंड। नीचे आते हैं और इसमें हाइपर स्मूथ 3.0 दे दिया गया है। सो और ज़्यादा स्टेबलाइजेशन है एडवेंचर स्पोर्ट्स या किसी भी टाइप का एक्टिविटी कर रहे हो। सो बहुत स्टेबल वीडियो बनता है एंड हॉराइजन लेवलिंग इंप्रूव कर दी गई है, इनबिल्ट कैमरा में आ गया है, और जो फ्रंट स्क्रीन की अपन डिस्कशन कर ही चुके हैं, और बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है। सो गाइस पहले ना बैटरी आती थी अप्रॉक्सीमेटली 1200 mAh की, बट नाउ वी आर गेटिंग अ बिगर बैटरी अप्रॉक्सीमेटली 700 mAh, और काफ़ी ज़्यादा चल रही है, मतलब मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो बैटरी, एंड मुझे सेकेंड बैटरी रखने की ज़रूरत अभी फील नहीं हुई है। अब बात करते हैं इसमें मीडिया मोड की। सो 7 तक तो अडैप्टर लेते थे लोग माइक लगाने के लिए, बट नाउ सो नाउ GoPro इज गिविंग अस द मीडिया मोड ऑफ द ऑप्शन फॉर द एक्सटर्नल माइक कनेक्शन एंड बाकी सारे स्पेक्स गाइस आप देख सकते हो, मतलब अपने काम की नहीं है। अपन को जो है सिर्फ वीडियो क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन, और कभी कभी फोटो खींचते हैं तो एक अच्छा मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो कि हमको क्या क्या एक्सेसरीज लेनी चाहिए, लाइक मीडिया मोड, ट्राइपॉड, माइक, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइक हेलमेट माउंट या हेलमेट स्ट्रैप फॉर मोटो व्लॉगिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम मीडिया मोड की, क्योंकि मीडिया मोड 9 में एक सबसे कंपलसरी एक्सेसरी बोल सकते हैं, बिकॉज बिना इसके आप माइक अटैच कर ही नहीं सकते हो, इसमें अडैप्टर तो आता नहीं है 9 में। सो आप लोग को ये इजीली अमेजोन पे मिल जाएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये 8,315 का आपको बॉक्स पड़ेगा, या फिर आप किसी होलसेल डीलर से भी ले सकते हो, वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। मूव ऑन करते हैं हम थर्ड चीज़ पे, लाइक फोटो। कुछ लोग नॉर्मल ब्लॉगिंग भी करते हैं, सो वो लोग परचेज करते हैं GoPro का एक ऑफिशियल 3-way माउंट आता है, बट आई थिंक उसका एग्जैक्ट रेप्लिका प्रेजेंट है अमेजोन पे यांत्रालय स्कूल ऑफ गैजेट्स से, क्योंकि बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल रहा है यहाँ पे, आप देख ही सकते हो 679 rupees में, और ऑफिशियल वाला GoPro का जो है वो 5,000 का है। सो आई थिंक इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मतलब काफ़ी सही लगी मेरे को इस प्राइस पॉइंट पे। सो आप लोग ये भी ऑप्शन देख सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सेसरी, द हेलमेट माउंट। सो कुछ लोग बहुत रेगुलर मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो वो लोग MCL सेट करके अपना GoPro का माउंट बना देते हैं हेलमेट पे ही, बट कुछ लोग जैसे मैं कभी कभी ही रिकॉर्ड करता हूँ हेलमेट पे माउंट करके, सो मैंने स्ट्रैप ले रखा है रिमूवेबल। सो आप लोग ये भी ले सकते हो, ये भी अराउंड 700 rupees का आप देख रहे हो, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, माइक कौन सा फिट होता है ईजिली। अब बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन होता है माइक लेते टाइम GoPro के लिए, बिकॉज GoPro प्रॉपरली मैंशन करता ही नहीं है कहीं पर क्या माइक फिट हो रहा है उसमें, क्योंकि माइक अगर आप लेने जाओगे तो कोई भी माइक स्टोर से लोगे तो 3.5 mm जैक पे TRRS कनेक्शन मिलता है। TRRS इज बेसिकली टिप रिंग रिंग स्लीव, जो आपका नॉर्मली फ़ोन वाला जो इनपुट होता है ईयरफोन्स का, उसमें आप देखोगे 3 रिंग्स होती हैं। सो दैट विल नॉट गेट फिट इन मीडिया मोड ऑफ एनी ऑफ द GoPro, लाइक 8 में भी मीडिया मोड आता था। सो कम्युनिटी डिस्कशन ऑफ GoPro में मैंने चेक किया, सो 8 तक तो दिया गया है कि TRS कनेक्शन ही बैठेगा फिट,
बट 9 में कुछ भी मेंशन नहीं है। सो मैंने दोनों माइक मंगा के टेस्ट कर लिया और जो नहीं चला उसको वापस कर दिया अमेजोन से। सो मैंने देखा कि कोडैक का ये जो लेवल एयर माइक्रोफोन है ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और ये इजिली हो गया। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें टिप रिंग स्लीव वाला फंडा होता है इसका इनपुट का, और इसमें आपको कन्वर्टर केबल भी मिलती है साथ में, कि अगर आपको किसी और कैमरा में लगाना है जिसमें TRRS हो तो इसमें आपको फीमेल टू मेल कनेक्शन मिल जाता है इसी में। सो आप ये देख सकते हो, बहुत ही बेटर ऑप्शन है। और आपको अदर ऑप्शन लाइक जाते हो पर आपको आपके पास ऑलरेडी बहुत हाई क्वालिटी का TRRS वाला माइक है गाइज, सो आप वही यूज़ करना चाहते हो तो आपको एक एक्सटर्नल अडेप्टर कन्वर्टर लेना पड़ेगा। आप रोड का देख सकते हो 1200 rupees का आता है, बट मोस्टली अनअवेलेबल रहता है अमेजोन पे। सो दैट विल एक्ट एज अ अडेप्टर फॉर TRRS टू TRS, सो यू कैन चूज दैट ऑप्शन एज वेल। नाउ लेट्स मूव द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, माइक टेस्टिंग। एंड नाउ वी आर टेस्टिंग आर माइक, बेसिकली द इनबिल्ट माइक ऑफ GoPro Hero 9, और देखते हैं ये कितना ज़्यादा सराउंडिंग नॉइज़ कैंसिल करता है, क्योंकि कई सारे डिस्टर्बेंस आप सुन सकते हो शायद, मतलब मेरे को लग रहा है बहुत सारे निकल रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी। सो देखते हैं फाइनली तीनों का कंपैरिजन करके लास्ट में कि क्या रिजल्ट निकलता है, कौन सा माइक बेटर परफॉर्म करता है, इनबिल्ट या मीडिया मॉड या फिर एक्सटर्नल माइक। सो गाइस मैं टेस्ट कर रहा हूँ अभी GoPro Hero 9 मीडिया मॉड के माइक का, और हम हैं हमारे घर की छत पे जहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं अच्छे से माइक, कॉज यहाँ पे आ रहा है विंड और भी ज़्यादा एक्सटर्नल नॉइजेज़ हैं। तो देखते हैं हमारी आवाज़ कैसी कैप्चर हो रही है और कितना वो रिड्यूस कर रहा है सराउंडिंग नॉइज़ को। नाउ गाइज वी आर रिकॉर्डिंग विद द एक्सटर्नल माइक ऑफ कोडैक, सो अभी भी हम छत पे हैं क्योंकि हम सारे माइक टेस्टिंग हमारी ओपन एनवायरनमेंट में करेंगे। सो लेट मी नो द वॉइस क्वालिटी, आई थिंक बेटर होगी मीडियम मॉड के माइक से, कॉज एक्सटर्नल माइक हमेशा रिड्यूस कर देगा विंड या एक्सटर्नल नॉइजेस को जो भी एनवायरनमेंट में क्रिएट हो रही है या सराउंडिंग में हमारे।